पालक पनीर अपने वाइब्रेंट कलर, रिच टेस्ट और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की वजह से एक मस्ट ट्राई डिश बन जाती है। इसे बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, पर आज मैं अपना तरीका शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें पालक को ब्लांच कर लेना है। उसके लिए बड़े से बर्तन में पानी उबालने के लिए रखना होगा। पालक के साथ साथ मैं यहाँ पर दो मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है। पानी को एक उबाल आने के बाद मैं पालक इसमें ऐड कर रही हूँ। उबालने के लिए डालने से पहले मैंने पालक को 3 बार साफ पानी से बदल के धोया था। हम पालक को 3 से 4 मिनट तक ही पकाने वाले हैं, वो भी मध्यम आंच पर। ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे तुरंत निकाल कर ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल दूँगी। बर्फ़ वाले पानी में डालने की वजह से पालक की कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और उसका हरा कलर बना रहेगा। अब हम इसे मिक्सर में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे, कुछ इस तरह से। पालक पनीर का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है। आप अपने हिसाब से तेल भी डाल सकते हो। गरम गरम घी में मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है। जीरे को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली है। इस मसाले को बनाते वक्त मैंने हरी मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। उन दोनों का स्वाद पालक के स्वाद को थोड़ा ओवर पावर कर जाता है। अब मैं 2-3 लाल मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पे डाल रही हूँ। पालक पनीर में थोड़ा सा तीखा स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसमें बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने प्याज को बहुत बारीक काट लिया है। प्याज को मैं लाल होने तक पकाने वाली हूँ। उसके लिए 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब प्याज का रंग बदल गया है तो हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है। इन मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे पहले। उसके बाद हम पानी डालकर इसको पकाने वाले हैं। 2-3 मिनट तक हम इसे पानी के साथ पकाने वाले हैं। अच्छे से पकने के बाद हम इसमें फिर टमाटर डाल देंगे। मसालों से अब तेल अलग हो रहा है तो हम यहाँ पे अभी टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। ये 2-3 टमाटर है, छोटे साइज़ के टमाटर हैं ये, ज़्यादा टमाटर नहीं लेना है इसमें। अब टमाटर को हम मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे। इसमें पानी होता है टमाटर में, जब तक इसका पानी ख़त्म हो के पूरा तेल अलग होता हुआ नहीं दिखाई देता, हम इसको पकाते रहेंगे। जैसे ही हम मसाले में टमाटर डाल देते हैं, हम नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है अभी तेल अलग हो रहा है टमाटर से, तो हम इसमें पालक का पेस्ट ऐड करने वाले हैं। अब पालक को हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम 3 मिनट तक हम इसे पकाने वाले हैं। अब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। पालक अब अच्छे से पक गया है। इसको ज़्यादा पकाते रहेंगे तो इसका रंग काला काला होता जाएगा। फिर अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप पानी डाल देना, पानी बस ठंडा डाल देना, क्योंकि आप गर्म पानी डालोगे तो वो और थोड़ा सा उसका रंग चेंज होता जाएगा। तो आप ठंडा पानी डाल देना, वो एब्सोल्युटली ओके है। उससे टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच है। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है।
ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पालक पनीर के स्वाद को डिफरेंट बना देती है और उसके स्वाद को और भी इन्हांस कर देती है। अब मैंने यहाँ पे एक जायफल लिया है, इसको मैं हल्का सा डालने वाली हूँ। आप इसको ज़्यादा डालोगे तो उसका स्वाद ज़्यादा मुँह में आएगा, एकदम हल्का सा डालना है इसको। इससे पालक पनीर में एक डिफरेंट स्वाद आता है, इसको डाल के देखना, बहुत अच्छा स्वाद आएगा इससे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाला है, बटर भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह काम करेगा इसमें। अब यहाँ पर मैं आखिर में पनीर डाल रही हूँ। पनीर, ये 200 ग्राम पनीर है और हम पनीर को पालक के साथ बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 4-5 मिनट तक पका देंगे ताकि वो सॉफ़्ट भी रहेगा। जितना जितना हम उसको पकाते जाएंगे पनीर भी हार्ड होता जाएगा और पालक का कलर भी बहुत डार्क होता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक पकाऊंगी। अब पालक भी पक गया है, पनीर भी पक गया है, तो हमारा पालक पनीर एकदम रेडी है। एक लास्ट चीज़ बाकी है, हम इसमें तड़का देंगे। तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में, छोटे पैन में घी डाला था थोड़ा सा, 1 चम्मच, और उसमें मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, 2 से 3 लाल मिर्च डाली है मैंने सूखी हुई, और फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे, और फिर आखिर में थोड़ा सा लहसुन डाल के हम इसको तड़का दे देंगे। लहसुन का कच्चापन निकलने तक मैं इसको पका रही हूँ। ये वाला तड़का पालक पनीर को एक मैजिकल टेस्ट दे देता है। अब पालक पनीर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसे रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। धन्यवाद।